नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं दोपहर का दंगल। दोपहर के दंगल में हम बात करेंगे तीसरे लॉकडाउन तीसरे दिन की। चलो जी हाँ, लॉकडाउन का तीसरा दिन शुरू हो गया है और अब तक तमाम मुश्किलों से देश एक और जहाँ निकल रहा है तो नई नई मुसीबतें भी खड़ी हो रही हैं। बात करें कि डॉक्टरों की, तो जिन पर पूरा दारोमदार है इस प्रकोप से बचाने का, इससे लड़ने का, तो वही अब समस्याओं में घिर गए हैं। दिल्ली में एक डॉक्टर के साथ समस्या होने की वजह से बाकी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि वो अब इलाज नहीं कर पाएंगे। तो वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में भी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिया, क्योंकि उनका कहना कि उनके पास में ज़रूरी संसाधन ये पीपीई नहीं है और मास्क नहीं है, जिसकी वजह से वो इलाज कर सकें, और वो चाहते हैं कि हम सारे लोग क्वारंटाइन में चले जाएं। यहाँ उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के तमाम डॉक्टरों का कहना है कि वो खाली बैठे हुए हैं, जो रिटायर्ड डॉक्टर हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है और वो चाहते हैं कि मदद करें, लेकिन उनके पास तक सरकार पहुंच नहीं रही है। और इसके अलावा और तमाम ऐसे डॉक्टर भी हैं जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि वो अब इलाज नहीं करेंगे, वो खुद इतना डर गए हैं। तो ये जो नई मुसीबतें आ रही हैं उसका सरकार कैसे सामना करेगी? तीसरा दिन है और तमाम तरह की दिक्कतें जो आ रही हैं, हालांकि बहुत कोशिश की जा रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार कोशिश कर रही है, उसने 30 से 35 बसें चला दी हैं जो लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाएंगी। उनका ख्याल रखते हुए कि जो दूसरे प्रदेशों से लोग आ रहे हैं घर तक नहीं पहुंच पा रहे थे। के न्यूज़ ने जब ये खबर दिखाई थी कि सैकड़ों किलोमीटर दूर पर वो पैदल जा रहे हैं, तो उनके लिए ये बसें चलाई गई और अब उनको गंतव्य स्थान तक पहुँचाया जा रहा है। ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, उसको रोकने की तमाम कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ में और बहुत सी कोशिशें जारी हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे, हमारा लॉकडाउन का तीसरा दिन, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देख लीजिए और रिपोर्ट के बाद इस पर चर्चा करेंगे। कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन का आज तीसरा दिन है। पुलिस लगातार इस लॉकडाउन को सफल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और हर इलाके की पेट्रोलिंग कर रही है। गुरुवार को भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के 694 मामलों की पुष्टि हुई थी। शुक्रवार सुबह यह आंकड़ा बढ़कर 724 पहुंच गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना से 17 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों में 47 विदेशी शामिल हैं, जबकि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक का एक डॉक्टर भी कोरोना की जद में आ चुका है। देश में कोरोना वायरस से पीड़ित 66 मरीज ठीक हो चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाने के लिए राज्य सरकारें हर कदम उठा रही हैं। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के बीच कहीं लोग नियमों का पालन कर रहे हैं तो कहीं नियमों की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। ज्यादातर शहरों में सड़कें सूनी पड़ी हैं, लोग अपने घरों में कैद हैं, सड़कों पर खाकी वर्दी नजर आ रही है, जो हर आने जाने वाले को कोरोना के खतरे से आगाह कर रहे हैं। बाजारों में भीड़ को कम करने के लिए भी पूरी जोर लगा रखी है। हर जगह अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को लगातार सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए सजग किया जा रहा है। बता दें कि शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद यूपी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 47 हो चुका है। नोएडा में कोरोना के 3 मरीज पॉजिटिव मिले। देश में लॉकडाउन के दिन बढ़ने के साथ पुलिस की सख्ती भी बढ़ती जा रही है। राज्यवार आंकड़ों की बात करें तो केरल में 137 सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 125 केस के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र और गुजरात में कोरोना वायरस संक्रमण से 3-3 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में 2 लोगों की मौत हुई।
वहीं मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में एक एक मौतें हुई हैं। देश के 27 राज्य इस वक्त कोरोना वायरस संक्रमण की गिरफ्त में हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अब तक 592 लोगों में कोरोना जैसे लक्षण पाए गए हैं। कोरोना प्रभावित देशों में अब तक 37,196 लोग उत्तर प्रदेश लौटे हैं। अब तक 43 लोगों की जांच पॉजिटिव आई है। आगरा के 9, गाजियाबाद 3, शामली 2, लखनऊ 8, नोएडा में 14, पीलीभीत में 2, लखीमपुर खीरी, वाराणसी, मुरादाबाद, कानपुर, जौनपुर, शामली, बागपत में एक एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव है, जबकि आगरा में 7, गाजियाबाद में 2 और नोएडा में 4, लखनऊ में 1 समेत 14 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। एक तरफ जहां लॉकडाउन से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन के कई दूसरे फायदे भी दिख रहे हैं। देशव्यापी लॉकडाउन के बीच देश को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है। प्रमुख महानगरों में पिछले 5 दिनों में प्रदूषण में 25% कम हुआ है। सड़क हादसों के मामले बेहद कम हुए हैं। चोरी और डकैती की वारदातें भी ना के बराबर हो रही हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट देखिए, अलग अलग तरह की रिपोर्ट आ रही है। तीसरा दिन है ये लॉकडाउन का और अब धीरे धीरे चीजें व्यवस्थित हो रही हैं, रास्ते पर आ रही हैं, लेकिन तमाम नई समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ यहाँ कानपुर स्टूडियो में 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अरुण आर्या हैं, आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। राजनीतिक विश्लेषक मजहर नकवी साहब जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्यकर्ता सफदर साहब भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप तीनों का स्वागत है। और लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ फिलहाल एक मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर भूपेंद्र तिवारी, प्रोफेसर हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के। आपका भी स्वागत है भूपेंद्र जी। और अब से कुछ देर बाद कुछ और खास मेहमान हमसे जुड़ेंगे और जैसे जैसे वो हमसे जुड़ते जाएंगे हम उनका आपसे तारुफ कराते जाएंगे। फिलहाल रुक करते हैं डॉक्टर साहब का, डॉक्टर अरुण आर्या साहब। बहुत ही भीषण संकट की घड़ी आ गई है और समस्या इस बात को लेकर के उठ रही है कि डॉक्टरों ने, एक पहली बात, दो सवाल हैं आपसे। एक तो डॉक्टरों ने स्वयं से इलाज करने से इनकार कर दिया है, उनका मानना कि वो भी इससे संक्रमित हो सकते हैं इसलिए वो अवॉइड कर रहे हैं इलाज करने का। क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है जी। सारे डॉक्टर जैसे मेडिकल कॉलेज में सारे लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है, वो अपना समय से। नहीं, मैं प्राइवेट डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ, सरकारी को तो करना ही करना है। सरकारी डॉक्टर्स पूरी जी काम कर रहे हैं जी, और जगह जगह सरकार अपना लगातार प्रयास कर रही है और प्राइवेट डॉक्टर्स को भी धीरे धीरे करके उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। नहीं, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जिस तरह से एक संक्रमित हुए डॉक्टर मोहल्ला क्लिनिक में, उसके बाद सारे डॉक्टरों ने इनकार कर दिया कि अब हम नहीं कर पाएंगे। बिहार की बात करें तो बिहार में 83 डॉक्टर्स ने कह दिया कि नहीं, वो क्वारंटाइन में जाना चाहते हैं क्योंकि वो खुद ही संक्रमित हो रहे हैं, उनको PPE और मास्क नहीं मिल रहे हैं। देखिए, अगर कोई भी डॉक्टर अगर संक्रमित हो जाता है तो उनके सारे स्टाफ को क्वारंटाइन में जाना अनिवार्य है, लेकिन जो डॉक्टर्स उसके बाद कोई ड्यूटी कर रहे हैं उनको अपना कार्य लगातार अपने उससे अनवरत अपना कार्य कर रहे हैं, और जो भी डॉक्टर कार्य करें अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं, बिना PPE के कोई भी डॉक्टर काम ना करें। पर्टिकुलरली जो ICU में काम कर रहे हैं, जो उस मरीज का सैंपल ले रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल एहतियात बरतना जरूरी है और उनको बिना PPE के काम करने में संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए तो डॉक्टर मना कर रहे हैं ना कि हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि PPE मास्क नहीं मिल रहा है, साथ साथ में N95 मास्क जो कंपल्सरी है, जो जरूरी है इसके लिए, वो भी नहीं मिल रहा है। इसीलिए बिहार में डॉक्टरों ने मना कर दिया कि हम अब इलाज नहीं कर पाएंगे, हम क्वारंटाइन में जाएंगे। नहीं, क्वारंटाइन में जाने की जरूरत उन लोगों को है जिनके जिनके साथ में कोई संक्रमित मरीज आया है, अदरवाइज उनको क्वारंटाइन में जाने की आवश्यकता नहीं है जी। और जहाँ पे हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं मरीजों को, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, वहाँ पर भी केवल ट्रिपल लेयर मास्क से आप काम कर सकते हैं। जहाँ पर आप काम कर रहे हैं और वहाँ पे अगर कोई कोरोना का मरीज है तो वहाँ आपको जरूरत पड़ेगी कि आप पूरा PPE किट के साथ ही काम करें। चलिए, और सरकार लगातार PPE किट लगातार उपलब्ध करा रही है। नहीं, लगातार करा तो रही, लेकिन
हमारे पास जो दूसरे प्रदेशों से खबर आ रही है कि उन तक नहीं पहुंच पा रहा, इसीलिए उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मदर नकवी साहब करूँ करेंगे, मदर नकवी साहब आप रिपोर्ट देख रहे हैं, हमने भी जो बताया कितनी गंभीर सिचुएशन नजर आ रही है इसको देखते हुए। देखिए जो स्थिति है वो भयावह है और भयावह से और भयावह की ओर अग्रसर हो रही है। मिसाल के तौर पर आज जो मौसम का रुख है ये भी कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और तापमान जब बड़ा होता है तो माना जाता है कि कोरोना जो है वायरस उसका जो है जो स्पैन है लाइफ स्पैन है वो थोड़ा सा शॉर्ट लिव्ड रहता है। बात सही बात यह है कि सरकारी जो डॉक्टर्स हैं उनके पास तो कोई विकल्प नहीं, उनको सरकार के आदेश का अनुपालन तो सुनिश्चित करना ही पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट डॉक्टर्स ने तो बहुत पहले से ही प्राइवेट में जो है वो नर्सिंग होम बंद कर दिए थे, खाली इमरजेंसीज जो हैं वो उसको वो अटेंड कर रहे थे। उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो ट्रिपल लेयर मास्क की बात की है, K95 की जो बात हो रही है, वो बहुत ज़्यादा एक्यूट शॉर्टेज में है और उसके लिए अभी तक सामाजिक संगठन ने या सरकारी स्तर पर कोई पहल नहीं हुई है। ये 200-250 रुपए का मास्क जो है ये सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को मिलना चाहिए नर्सिंग होम में जाके। एक तरफ जहां हम जो है खाने पीने की चीज़ों की व्यवस्था कर रहे हैं उससे कम आवश्यक इन मास्कों की उपलब्धता जो है वो नहीं है, वो भी हमें सुनिश्चित करानी होगी। दूसरी जो हमारे पास किट हैं वो बिल्कुल हैं ही नहीं। चाइना में देखिए उन्होंने जो है पूरा का पूरा जो है किट के माध्यम से कंट्रोल कर लिया, लेकिन हमारे यहाँ हेल्थ केयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सदियों से कहा जाए तो नहीं, लेकिन हाँ दशकों से तो ये हम कह सकते हैं कि जिस पर काम किया जाना चाहिए था उस पर काम नहीं हुआ। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को हम लोगों ने अनदेखी की, बिल्डिंग और अंडर कंस्ट्रक्शन एक्ट में मजदूरों की जो है सूची नहीं तैयार कराई गई, उन सारी चीज़ों का हमको खामियाजा जो है भुगतना पड़ रहा है। और अब धीरे धीरे जो ये आर्थिक संकट है ये एक सामाजिक संकट और एक सामाजिक असंतोष की ओर बढ़ता चला जा रहा है। आने वाले समय में कानून व्यवस्था को में भी परेशानियां होंगी। अभी हम लोगों ने बहुत अच्छा कहा है कि साहब प्रदूषण कम हो गया, सड़क हादसे कम हो गए, लेकिन जब आदमी के पास पैसे भी नहीं होंगे और खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा तो वो किसी सीमा तक जा सकता है, इस तथ्य की अनदेखी भी हम नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिए तो कल प्रधानमंत्री जी ने निर्मला सीतारमण ने 1,70,000 करोड़ का वो कर दिया है। प्रदीप जी मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, हालांकि वो कितना पर्याप्त है इस पर हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, सफदर साहब के पास रुख करेंगे। सफदर साहब, डॉक्टरों में भी भय देखा जा रहा है और ऐसे में इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा जो हमारे जो डॉक्टर्स जो लगे हुए हैं, ये नो डाउट के वो लोग अपने परिवार को छोड़ के जो आम जनता है उसकी निगरानी कर रहे हैं, उसको उन लोगों को पूरी तरीके से हर तरह से हमने ये देखा है। कल जाके हमने बाहर को और भी कई नर्सिंग होम में जाके देखा है, सब बहुत ही मजबूती से लगे हुए हैं, तो काबिले तारीफ है वो डॉक्टर और उनको मैं सैल्यूट करता हूँ और उनके लिए हम लोग हमेशा दुआ करूँगा कि जिस तरह से वो लोग हमारे परिवार को बचाने की भरसक प्रयास और कोशिश कर रहे हैं, ऊपर वाला भगवान और अल्लाह उन लोगों को और उनके परिवार को भी अच्छे से अच्छा रखे। चलिए हम रुक करेंगे लखनऊ स्टूडियो का, हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए भूपेंद्र तिवारी जी। भूपेंद्र जी अगर आपको आवाज मिल रही है, आप देख रहे हैं कि डॉक्टरों में दहशत का माहौल है, उनको ट्रिपल लेयर मास्क नहीं मिल रहे हैं। बात दिल्ली की करें, बात बिहार की करें, बात लखनऊ यूपी की करें, तो मुश्किलात है उनके साथ में और अगर ये वर्ग हाथ खड़े कर देगा तो बहुत मुश्किल दौर से गुजरेगा देश अपना। प्रदीप जी नमस्कार। मैं जी भूपेंद्र जी, बड़ी धीमे आ रही है जी, आवाज धीमे आ रही है, थोड़ा सा आवाज बढ़वा दें। ठीक है, मैं आपकी तकनीकी समस्या का समाधान करा रहा हूँ, लेकिन जब तक अगर आपको आवाज जो भी मिल पा रही है, मैं आपसे डॉक्टरों के विषय में जानना चाह रहा था कि डॉक्टर जिस तरह से भयभीत हो गए हैं, वो इलाज करने से मना कर रहे हैं, कैसे निपटा जाएगा इस समस्या से? नहीं देखिए, ये अगर डॉक्टर मना कर रहे हैं ये तो हमारे ख्याल से मानवीय नहीं है। मानवीय दृष्टिकोण तो यही कहता है कि उनको भगवान का दर्जा दिया गया है और भगवान, अभी प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा था कि आजकल मंदिर इसलिए बंद है कि क्योंकि सारे भगवान सफेद कोट पहन करके अस्पतालों में सबकी सेवा कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, तो डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया गया है अगर इस तरह से वो कर रहे हैं तो ये तो गलत है। लेकिन हमारे ख्याल से जो सरकारी डॉक्टर हैं और जिनको इस दायित्व को सौंपा गया है वो
अपने दायित्व का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं और उनके दायित्व को हम लोगों को सराहना चाहिए और उनका दायित्व को जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए उनको प्रणाम करना चाहिए। भूपेन जी, प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि जान है तो जहान है, डॉक्टरों की भी जान होती है, वो भी कह रहे हैं कि अगर हमारी जान है तो जहान है, हम ही नहीं रहेंगे तो क्या रहेगा। तो और अगर उनको ट्रिपल लेयर मास्क नहीं मिल रहा है और इसके साथ साथ में पीपीई मास्क नहीं मिल रहा है तो वो इलाज कैसे करेंगे? ये बिल्कुल आपकी बात सही कह रहे हैं प्रदीप जी, जान है तो जहान है, बिल्कुल सही है। अगर वही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो वो इलाज कैसे कर पाएंगे? जरूरी उपकरणों की तो होनी ही चाहिए उनको। अभी मैंने एक वीडियो वायरल हो रहा था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान का वहां की एक मैट्रन है, उन्होंने ये कहा था कि हमको जरूरी उपकरण नहीं मिल पा रहे हैं, जो मास्क या जो चीजें हमको मिल रही है, कहा जा रहा है कि इसको फिर से सैनिटाइज करके और वाश करके इसको फिर से उपयोग में लाइए। तो देखिए, ये तो उनके जान के साथ वास्तव में खिलवाड़ हो रहा है और इसको सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए। लेकिन चूंकि पूरे वर्ल्ड वाइड क्राइसिस है तो इसका कोई ना कोई समाधान तो थोड़ा सा उनको भी निकालना पड़ेगा कि थोड़ा सा ध्यान रखें, सैनिटाइजर का यूज करें, अपना भी ध्यान रखते हुए और लोगों की भी जान की रक्षा करें। लेकिन करना तो पड़ेगा, देखिए अब चूंकि मुश्किल की घड़ी है तो करना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल नहीं, करना पड़ेगा ही। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ में, दोबारा से आपका रुख करेंगे। डॉक्टर अरुण आर्या, ये सवाल ये है कि जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उन लोगों ने मरीज देखने बंद कर दिए, अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर मरीज जाए तो जाए कहाँ? कानपुर की हम बात करें, कानपुर में हमारे तमाम डॉक्टरों से बात हो रही है, व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने ये स्वीकार किया कि हाँ, डर के कारण उन्होंने मरीज देखने से इनकार कर दिया है। देखिए, आपको बताएं, क्योंकि इस समय कोरोना का भय तो सभी लोगों में व्याप्त है ही है, और अगर हम लोग रूटीन पेशेंट्स अगर देखते हैं ज्यादा संख्या में, तो आप उसमें स्क्रीन नहीं कर पाएंगे कौन से मरीज को कोरोना का संक्रमण है या किस मरीज को नहीं है। तो अगर हम रूटीन ओपीडी अगर कंटिन्यू करेंगे तो जो डॉक्टर्स आपके काम कर रहे हैं उनको लगातार संक्रमण का खतरा बना रहेगा। इसके लिए हमारे यहाँ पर अलग से ओपीडी इमरजेंसी सेवाएं लगातार चल रही है, एक फ्लू ओपीडी अलग से स्टार्ट की गई है जहां पे इस तरह की मरीजों को लगातार देखा जा रहा है, और जो मरीज जिनको जरूरत है, गंभीर है, उनको लगातार 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। और जो मरीज जिनको संक्रमण बहुत ज्यादा नहीं है, जिनको मान सकते लूज स्टूल्स हैं या और कोई बीमारी है, उनके लिए वो अपने डॉक्टर से फोन पर संपर्क करके दवाएं वगैरह पूछ सकते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा मरीज जो संक्रमित मरीज हैं डॉक्टर संपर्क में आएंगे तो डॉक्टर्स को खुद एक खतरा रहेगा और आप स्क्रीन नहीं कर पाएंगे इस तरह से। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, भगवान का दर्जा दिया जाता है डॉक्टरों को, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने खुद स्वयं कहा कि उनको 50 लाख रुपए का बीमा का कवर दिया जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि जान है तो जहां है, जान पहले 50 लाख अगर नहीं रहे तो 50 लाख का क्या फायदा? यही नहीं बता रहा क्या? आपको कहना एकदम सही है, 50 लाख का बीमा से ज्यादा जरूरी मुझे लगता है कि आज की तारीख में जितने भी डॉक्टर्स हैं और जो भी पैरामेडिकल स्टाफ है उसके लिए 50 लाख से ज्यादा जरूरी है कि उन सभी को जो पीपीई किट्स हैं और N95 मास्क वगैरह, ये ज्यादा जरूरी है, सैनिटाइजर की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि अगर वो बच पाएंगे तभी वो और लोगों को स्क्रीन करके और अपनी सेवा दे पाएंगे। ठीक है, मजान नकवी साहब जी, 50 लाख का बीमा कवर से ज्यादा जरूरी है ट्रिपल लेयर मास्क N95 और इसके अलावा पीपीई मास्क, जिससे कि वो अपने आप को बचा सकें और अगर वो स्वयं बचा सकेंगे तभी बाकी लोगों की जान भी बचा पाएंगे। देखिए, प्रदेश में जो है 65,000 के आसपास डॉक्टरों की तादाद है और ये सभी लोग जो हैं आधार कार्ड वाले भी हैं, पैन कार्ड वाले भी हैं और इन सभी के बैंक के खाते भी हैं, और जो सामाजिक संगठन जो हैं इसमें कार्य कर रहे हैं उनसे ये कहा जाना चाहिए कि जो ये पंजीकृत डॉक्टर हैं और जिसमें IMA की भी मदद ली जा सकती है कि आप सीधे सीधे जो है किट जो है इन डॉक्टर्स के पास भिजवाइए और 1:5 या 1:10 का जो रेशियो है उसको कम से कम ध्यान में रखते हुए इन मास्क के वितरण की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए बैठक की आवश्यकता नहीं है, तुरंत जो है उपलब्धता सुनिश्चित कराने की ज़रूरत है। आप देख रहे होंगे प्रदीप जी के पिछले 3 दिन में हम जो हैं अभी खाद्य और आपूर्ति विभाग के बारे में तय कर पाए बड़ी मुश्किल से कि फला क्षेत्र का जो है काम फला साहिबा देखेंगी या फला साहब देखेंगे, इतना समय हमारे पास है नहीं, आज तीसरा चौथा दिन हो गया है और स्थिति जो है वो आगे बढ़ रही है, मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात यह
है कि 65,000 से करीब जो हमारे यहाँ विदेशी आए हैं वो छुपा भी रहे हैं। बहुत से लोग ये बता ही नहीं रहे हैं कि वो पॉजिटिव उनका जो है टेस्टिंग हो गई है और वो सोशल आइसोलेशन में जाने की तैयारी में भी नहीं हुई है। कहीं ना कहीं हम जो है प्लानिंग पर जो है वो वहाँ पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। अब प्लानिंग से ज़्यादा रणनीति की ज़रूरत है। जितने प्रदेश में फार्मेसी के कॉलेज हैं उनके छात्रों को कैसे रोपिंग किया जाए इस बात पर भी विचार होना चाहिए। शिक्षण संस्थान जो है वो अपने हॉस्टल्स देने को तैयार हैं कि आपको अगर क्वारंटाइन के लिए ज़रूरत है तो हम जो है वहाँ पर आइसोलेटेड करके छोड़ देंगे। UGC और जो दूसरे तकनीकी संस्थान हैं उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल्स अपने फ्री कर दिए हैं। तो सरकारी स्तर पर प्रयास तो बहुत किए जा रहे हैं लेकिन जो व्यवहारिक कठिनाइयां हैं उनको हम नहीं दूर कर पा रहे हैं। आप मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं, पुलिस जो है जाने नहीं दे रही है। अगर OPD कराने कोई जा रहा है तो डॉक्टर साहब तो वहां पर बैठे हुए हैं मौजूद लेकिन पुलिस वाला वहां पर उनको जाने नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं सरकार की जो सख्ती है उसमें विरोधाभास है और इसीलिए हम लोगों को परेशानियां हो रही हैं। जो व्यवहारिक कठिनाइयां हैं उनको अनदेखी नहीं होनी चाहिए। जो अगर जेन्यून केस है तो उसको जो है मानवीय आधार पर पुलिसकर्मी को भी वहां पर उपस्थित जो सरकारी अधिकारी है उसको ये देखना होगा कि आदमी अगर ठीक है तो उसको जाना देना चाहिए, उसके आवागमन में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ में और बहुत सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका एक एक करके आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ प्रस्ता के इरफान मलिक साहब जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। शैलेंद्र श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। और गौरव मिश्रा भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है गौरव मिश्रा जी। सीधा गौरव जी का रुख करेंगे। गौरव जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो डॉक्टर बिहार की बात करें, दिल्ली में बात करें और थोड़े बहुत यूपी में भी बात करें तो डरे हुए हैं क्योंकि उनको जो जरूरी संसाधन है वो नहीं मिल पा रहे हैं और वो हाथ खड़े कर रहे हैं इलाज करने में। लगता है अभी गौरव जी तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, इरफान का रुख करेंगे। इरफान मलिक जी, जो सवाल मैंने गौरव मिश्रा से पूछा वो आपसे जानना चाह रहा हूँ। बात कि जिस तरह से बिहार में 83 डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम इलाज नहीं करेंगे और हमको क्वारंटाइन में जाना है, दिल्ली में डॉक्टर की वजह से बाकी के स्टाफों में दिक्कत आ गई कि हम इलाज नहीं करेंगे और बड़ी मुश्किल की घड़ी अगर धरती के भगवान इस तरह से करेंगे, हालांकि उनकी भी जान है, जान है तो जहान है, प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है, तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है देश को। नहीं, सबसे पहली चीज तो यह है कि जो डॉक्टर्स कर रहे हैं हमारे वो बधाई के पात्र हैं जी। लेकिन सवाल यह है कि उनको उपकरणों की, मास्क की और सारी चीजों की जो है उसके लिए सरकार को तत्कालिक व्यवस्था करानी चाहिए और सरकार इसमें फेल है। जब हम डॉक्टर्स को, जो लोग मरीज को देख रहे हैं, हम उन्हीं को, और तमाम केस ऐसे आए हैं सोशल मीडिया पे हमने देखे हैं कि डॉक्टर्स ही का नाम है मरीजों के इलाज करते करते खुद का नाम है कोरोना से ग्रसित हो गए हैं। हमारे KGMU में भी एक केस ऐसे ही इसी तरह से आया था, एक आध केस हम और देखा कि डॉक्टर से ही का नाम। तो डॉक्टरों के लिए कम से कम पूरा उपकरण की व्यवस्था करानी चाहिए और खासतौर से ये जो मेडिकल कंपनियां हैं इनको आगे आना चाहिए और कम से कम जो डॉक्टर्स जिनके पास आप MR से जो जाते हैं डॉक्टर्स के पास कि हमारी ये दवा है, हमारी ये वो है, तो उनके लिए कम से कम गिफ्ट में एक आपका नाम है ये लेकर के मास्क और सारी चीजें जो जरूरी चीज है ये इसमें सबसे बड़ी पहल करना चाहिए मेडिकल कंपनियों की जी। जो MR है, जो चाहे वो रेमडेक्सी हो, चाहे वो सिप्ला हो, चाहे वो और जो तमाम सारी कंपनियां हैं, तो इन लोगों को थोड़ा सा आगे आना चाहिए और तभी जाकर के इस समस्या से ऐसे हमको निजात मिल सकती है। बिल्कुल, बहुत शानदार बात है कि जो कंपनियां हैं उनको आगे आना चाहिए और उनसे उनको अपनी मदद के हाथ आगे। शैलन जी करो, शैलन जी, जिस तरह से डॉक्टर इलाज करने से इनकार कर रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही विकट स्थिति होगी देश के लिए। वाकई ये विकट स्थिति है और ये समझना पड़ेगा कि आखिर क्यों वो अपने मूल प्रोफेशन को नहीं करना चाह रहे हैं। कहीं तो मजबूरी होगी। बिल्कुल, दरअसल हर इंसान अपनी बेहतरी के लिए कोई काम या कोई प्रोफेशन चुनता है। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बना है तो भी हमारे आपके बीच का है, अगर हम उसकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखेंगे तो उसके अंदर भी डर पैदा होगा, उसके भी परिवार में माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे ये सब होंगे
और जब उसको लगेगा कि उसकी वजह से इतने सारे लोगों की जान खतरे में है, तो एक बार वह भी चाहते हुए काम को नहीं कर पाएगा। हकीकत यह है कि जितने हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, उसका उपयोग करते हुए प्राथमिक तौर पर तो सारे डॉक्टर्स लग गए इस उम्मीद में कि ऑर्डर करने पर सप्लाई आने में 2 दिन 4 दिन 6 दिन का समय लगता है। उन्होंने बर्दाश्त किया, उतना खतरा लिया, लेकिन जब देख रहे हैं कि 7 दिन हो रहे हैं ये सब करते हुए और उसके बाद अभी हजम पहुंचा नहीं है, तो कुछ लोगों का हिम्मत जवाब दे रहा है। तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होगा, हमने देखा हमारे कई रिलेटिव्स हैं जो करीबी पारिवारिक लोग हैं और डॉक्टर हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि हमें पूरा वर्दी जो ड्रेस है पूरा अपने बचने के लिए वो नहीं मिला हुआ है। हाँ। उनको मास्क नहीं मिला हुआ है, बिल्कुल, उनको सैनिटाइजर नहीं मिला हुआ है, जबकि उनको उन सभी संदिग्धों को देख करके आगे के लिए रेफर करना है। तो अब ये समझने का विषय होगा कि आखिर कोई कब तक अपनी जान को दांव पर दूसरों के लिए लगाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर ये जरूर है कि वो लोग कर रहे करना चाहते हैं, बस एक बात थोड़ा लग करके हमें कुछ जल्दी करके उनको सैनिटाइजर, मास्क, ड्रेस ये उपलब्ध करा देना चाहिए। और एक बात और आपको बता दें, इस बात पर भी गौर कीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों के जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर कोरोना जांच की कोई सुविधा नहीं है। वहां पर जो प्रशासन जिन लोगों को बाहर पकड़ ले रहा है उनको भेजता है इन डॉक्टर्स पास, और ये डॉक्टर केवल लीगल तौर पर उनको रेफर करते हैं कि आप जाओ बड़े हॉस्पिटल में, और वो सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से 15 दिन के लिए एक जगह पर रोक दिए जा रहे हैं। इस पर भी गौर करना होगा, हर कोई चलता राह चलता व्यक्ति पकड़ करके बिना कोई प्रॉपर जांच के यदि इस तरह से भेजा जा रहा है तो यह उस व्यक्ति के साथ ज्यादती हो रही है। ठीक है, ठीक है, ये मिलजुल करके ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, हमको गैप निकालने हमको सबको और गैप ढूंढ करके हमें उसको एड्रेस यानी उसका समाधान ढूंढने की जरूरत है। और ये इंफेक्शन आप गौर कीजिए, हमको सबको मिलकर के लड़ाई लड़नी होगी। ठीक है सर, आएंगे हम जीवन काल में जरूर आएंगे, आएंगे दोबारा आपके पास। 102 साल चैलेंज जी दोबारा आएगी आपके पास में, हमारे साथ में गौरव मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। बीमारी भी आई थी महामारी, ठीक है ठीक है, बॉम्बे से स्टार्ट हुई थी, ठीक है शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी यही हाल बना था। ठीक है, आएंगे दोबारा से आपके पास आएंगे शैलेंद्र जी, गौरव जी हमारे साथ में जुड़ गए, एक व्यक्ति एक्सपायर। ठीक है सर जी, आएंगे आएंगे दोबारा आपके साथ। गौरव मिश्रा जी आपको आवाज मिल रही है, तो कुछ हम प्रदेशों की बात करें तो डॉक्टरों ने इलाज करने से इनकार कर दिया है, कह रहे हैं कि उनको जरूरी चीजें मुहैया नहीं कराई जा रही है। हम बात बिहार और दिल्ली की कर रहे हैं। चलिए अभी कुछ तकनीकी व्यवधान है, फिर से रुक करेंगे। इधर भूपेन जी का रुक करते हैं। भूपेन जी, शैलेंद्र जी कह रहे हैं, शैलेंद्र जी ने शेर के कुछ शब्द कहे थे, मैं उसको पूरा कर देता हूँ। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही हर कोई बेवफा नहीं होता। डॉक्टर की को 50 लाख रुपए का बीमा का कवर दे दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात सच है कि जान है तो जहान है, अगर जान ही नहीं रहेगी तो वो बाकी पैसे लेकर के क्या करेंगे और इलाज कैसे करेंगे, अपना परिवार कैसे चलाएंगे। बात तो सच है ना। देखिए प्रदीप जी, एक चीज मैं अपडेट कर दूं, केंद्र सरकार का डेटा यह कहता है, केंद्र सरकार का डेटा यह कहता है 22 केंद्र सरकार के पास जो डेटा है 22 लाख हेल्थ वर्कर्स हैं और 12 लाख डॉक्टर हैं, उनको इन्होंने 50 लाख का बीमा कवर तो दे दिया, लेकिन थोड़ा सा यह भी ध्यान रखने की बात है कि ये महामारी जो आई है धीरे धीरे करके, इस तरह की महामारी के लिए शायद देश पहले से तैयार नहीं था। अब जब परिस्थितियां इस तरह की बन गई हैं कि उनको सैनिटाइजर, उनको सुरक्षा किट उपलब्ध कराया जाए, तो अभी आपने सुना होगा कि DRDO भी सामने आया है, और हम तो ये कहते हैं कि 2 कदम और आगे जाइए और इसमें थोड़ा सा मिलिट्री अस्पतालों की भी सहभागिता लीजिए। मैं आपको एक केस बताता हूं कि एक आदमी इलाहाबाद से चलता है पेशेंट को लेकर के, वो कई प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचता है और प्राइवेट हॉस्पिटल ये कहते हुए टालते हैं कि इसको ले जाइए पहले कोरोना का टेस्ट कराइए। वो जाता है लोकबंधु, लोकबंधु में टेस्ट होता है लेकिन उस रिपोर्ट को डॉक्टर्स नहीं मानते, फिर इसके बाद भेजा जाता है मेडिकल कॉलेज। अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता ये पेशेंट कोरोना पॉजिटिव निकलता तो ये कितने लोगों को इन्फेक्ट कर देता। तो देखिए कहीं ना कहीं ये सख्ती भी थोड़ी सी जरूरी तो है, लेकिन
इसके बावजूद डॉक्टरों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी सुरक्षा भी उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रशासन थोड़ा सख्त हो रहा है, बिहार की बात आप कर रहे हैं, बिहार में जनता अभी भी समझने को तैयार नहीं है, अभी भी वो बसों में भर भर करके सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, आखिर में अगर नहीं करेंगे वाली स्थिति और वाली स्थिति हमारे सामने भी आ जाएगी। भूपेन जी, सवाल ये है, क्या होगी भूपेन जी, हमारे पास 700 कुछ का आंकड़ा है। भूपेन जी, सवाल ये है कि जिनको 50,000 पे पहुंच गया, तब हम कहां पहुंच गए, कहां होंगे भूपेन जी, हमारे पास सुरक्षा किट कहां होगा भूपेन जी। बेहतर है, सवाल ये है, अपील है, सुन लीजिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। भूपेन जी, सवाल ये है कि ये बेचारे जिनको उनके मालिकों ने अपने घर से निकाल दिया है, अपनी फैक्ट्री से निकाल दिया है, और वो अपने घर की ओर जा रहे हैं, आखिर वो जाए तो जाए कहाँ? हमको उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। इसीलिए तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने 23 बसों का संचालन शुरू किया है जिससे उनके घर तक पहुंचाया जा सके। नहीं 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 प्रदीप जी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा था जी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा था प्रदीप जी जी, मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो जो बाजारों में भीड़ मचा रहे हैं जी, जो जो पटना में बसों में ओवर बसों में भर भर के, वो तो बेचारे मारे हुए हैं। ये बात आपकी ठीक है, ऐसे लोगों पर, ऐसे नियोक्ताओं पर सरकार, ठीक है गौरव जी, आपको भूपेन जी आएंगे आपके पास में, गौरव जी का रुख करेंगे। स्थिति यही है भूपेन जी, बात आपकी हो गई, रुकिए, आपको रुकना पड़ेगा, गौरव जी का रुख करेंगे। गौरव जी ठीक है, भूपेन जी आ रहे हैं आपके पास, आपके पास गौरव जी, हम बात कर रहे हैं डॉक्टरों की। बिहार में 83 डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, इलाज करने से इनकार कर दिया है, और दिल्ली में भी दहशत का माहौल है, वो कह रहे हैं कि हमें जरूरी चीजें मुहैया नहीं हो रही हैं। क्या कहेंगे आप? बिहार की स्थिति निश्चित रूप से विकट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, क्योंकि बिहार से बहुत बड़ा वर्ग लेबर वर्ग है जो अन्य जगहों पर रहता है, और एकाएक बिहार में पहुंचने की वजह से स्थिति बहुत विकट है। लेकिन हम साथ ही ये भी कहना चाहेंगे कि सरकार की जो प्राथमिकता है, सबसे पहले जो लोग लॉकडाउन है, घरों में है, उनके लिए आवश्यक सामग्री को पहुँचाना, सुचारू व्यवस्था करना, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत त्वरित गति से इन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया है। वहीं अन्य जगहों पर देखें तो डॉक्टर की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, उनके स्वास्थ्य भी उतने ही महत्वपूर्ण है। बात सही है कि 50,00,000 का इंश्योरेंस उनके जीवन को नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी एक उनको हौसला बढ़ाने के लिए सरकार का ये सराहनीय कदम है, और मुझे लगता है इसका स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल गौरव जी, हम लोग इसका भरपूर स्वागत करें, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन सवाल ये है, भारत जैसे देश में जहां 135 करोड़ की आबादी है, वहां पे लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। गौरव जी, हम जो सरकार ने कदम उठाए हैं, जो सरकारें कदम उठा रही हैं, हम उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, मुझसे इनकार नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सरकार को चेता रहे हैं कि कहां कहां और समस्याएं हैं। डॉक्टरों को 50,00,000 का बीमा कवर दे दिया गया है, लेकिन उनको जरूरी मास्क उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, यही कारण है कि उनमें डर का और भय का माहौल है, और वो इलाज नहीं कर रहे हैं जी। प्रदीप जी आपातकाल की तरह ये समस्या हमारे देश पर आई है, और जिस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की, उसी समय देश की जितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी उनके एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया, सभी प्रकार की दवाओं के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और उनकी सुचारू रूप से व्यवस्था देश के अंदर कराई जा सके वो भी सुनिश्चित कराया जा रहा है, क्योंकि इन सब व्यवस्थाओं को नियमित करने में थोड़ा एक समय लग जाता है, और विशेष करके ऐसे प्रदेशों में जो प्रदेश थोड़े पिछड़े हुए हैं, जहां पे व्यवस्थाओं की कमी है, वहां सुचारू रूप से व्यवस्था को कायम करने में थोड़ा तो वक्त लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की स्थिति कंटिन्यू बनी रही तो तृतीय स्टेज में यदि ये बीमारी नहीं पहुंचती है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सभी प्रदेश अपने अपने स्तर पर इसको नियंत्रण में करने में कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि अगर हम तीसरी स्टेज में नहीं पहुंचते हैं तो हम इस समस्या का समाधान यहीं पर ढूंढ लेंगे, और हमें आगे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और उसीलिए कदम उठाए जा रहे हैं, और जनता भी पूरा उनका अनुपालन कर रही है। हालांकि कुछ मजबूरियाँ हैं लोगों की भी, जो वो इनको इस तरह से करने पर मजबूर कर रही है।
फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि ये लॉकडाउन का तीसरा दिन है, अब क्या क्या हो रहा है और इसके लिए जी इसके लिए हम जी गौरव जी ब्रेक ले लें। गौरव जी ब्रेक के पार आएंगे तो सीधे आपके पास में आएंगे और भी चीज समझने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। माउंट लिटरल सी स्कूल उन्नाव, नंबर वन इन एकेडमिक्स, नंबर वन इन स्पोर्ट्स, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट रिजल्ट, स्मार्ट क्लासरूम, बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ माउंट लिटरल सी स्कूल उन्नाव। खुदी को आजमाया तो ये अंदाज आया, राष्ट्र हित में और प्रधानमंत्री जी की अपील पर अपने अपने घरों में 21 दिन के लिए लॉकडाउन अवधि में रहने वाले सभी दर्शकों का के न्यूज इंडिया की तरफ से अभिनंदन। इन 21 दिनों की अवधि में कोई रोचक संस्मरण या रोचक क्रियाकलाप या ऐसी कोई गतिविधि जिसने आपके परिवार को जोड़ने में कुछ मदद की हो, अपने घर की परिधि में रहते हुए आसपास के वातावरण का अनुभव वीडियो के रूप में हमसे साझा करें, साथ ही अपना नाम और शहर भी लिखें। वीडियो फोन नंबर 7982855873 पर व्हाट्सएप करें। प्रेरणादायक अनुभव को, सूचनाओं को हम अपने चैनल पर दिखाएंगे। राष्ट्रहित में के न्यूज इंडिया के साथ सहभागिता करें। स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर, लेकिन पढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराएं नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512-239-0038 और 0512-239-0032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। मिलेगा हर समस्या का समाधान, विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। सारथी
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन के तीसरे दिन की। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, लखनऊ से भी मेहमान जुड़े हुए हैं और कानपुर स्टूडियो से भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। हम एक बार फिर से लखनऊ का रुख करेंगे, गौरव जी का रुख करेंगे। गौरव मिश्रा, हम आपसे समझना चाहेंगे कि एक ओर तो पीपीई किट नहीं है और ट्रिपल मास्क नहीं है, N95 मास्क नहीं है, दूसरी ओर ये जो किट्स हैं इनको पहनने की प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं दी जा रही है। जो हमारे पास खबर है वो कि लखनऊ के SGPGI में इसकी ट्रेनिंग दी गई, बाकी जगह इसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था भी नहीं है। जी प्रदीप जी, इसके लिए जो WHO की वेबसाइट है उस पर प्रॉपर इसके ट्रेनिंग की गाइडलाइन दी गई है और उसको हमारे डॉक्टर्स फॉलो कर रहे हैं और प्रदेश सरकार की तरफ से भी सभी डॉक्टरों को ये बताया गया है कि उस गाइडलाइन को फॉलो करें। उसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग का पूरा सिस्टम दिया है, स्टेप बाय आते हैं तो संक्रमण वाली बीमारी से कैसे खुद को प्रोटेक्ट किया जाता है। ये बात सही है कि जो किट का प्रयोग है, किट के प्रयोग को लेकर के एक प्राथमिक जो जानकारी की आवश्यकता होती है वो आवश्यकता है, क्योंकि बहुत जगह अभी किट भी उपलब्ध नहीं हो पाया, ये बात सही है। उसके लिए भारत सरकार इंपोर्ट भी कर रही है, अपने यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनसे मंगाया भी जा रहा है और उसके मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो भी बहुत क्रिटिकल है। ऐसा नहीं है कि केवल मैन्युफैक्चरिंग करके मंगा लिया गया और बिना स्टरलाइज प्रोडक्ट को जो है डॉक्टरों को दे दिया गया यूज़ करने के लिए, तो उसको भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है और सरकार उसको भी सुनिश्चित कर रही है। जी। हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, सफदर साहब। गौरव जी, उनका कहना है कि जो कंपनियां बड़ा व्यापार करती हैं मेडिसिन का, सिप्ला जैसी कंपनियां, उनसे भी मदद लेनी चाहिए क्योंकि वो ट्रेनिंग करवाएं और इस तरह के उपकरण उपलब्ध करवाएं। क्या कहना है आपका? जी जी जी, जितने देश में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें या अन्य प्रदेशों की भी बात करें, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो खुद आगे बढ़कर के आए हैं इस महामारी से लड़ने के लिए और उन्होंने बड़ा सराहनीय कदम भी उठाया है और ट्रेनिंग के स्तर पर, मैन्युफैक्चरिंग के स्तर पर या फिर क्वारंटाइन बेड्स को बढ़ाने के लिए भी वो खुद आगे बढ़कर के आए हैं। मुझे लगता है कि सभी समाज मिलकर के इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार है आज। ठीक है, ठीक है। अरुण आर्य साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, वो कह रहे हैं कि तमाम लोग आगे आए हैं और इस महामारी से लड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपकी राय? नहीं, उनका कहना एकदम सही है क्योंकि हम लोगों को, सब लोगों को एक साथ मिलकर ही इसमें प्रयास करना होगा। डॉक्टर्स को अपने लेवल पे करना होगा और आम जनता जो है उसको अपने इस तरह प्रयास करना होगा, क्योंकि हम लोगों को लगातार, जैसे प्रधानमंत्री हमारे लगातार बोल रहे हैं कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, तो उसको करना पड़ेगा, अदरवाइज केसेस की संख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए जैसे आप कह रहे थे कि ओपीडी में डॉक्टर्स, प्राइवेट डॉक्टर्स मरीजों को नहीं देख रहे हैं, तो इसका मेन कारण यही है कि एक आप देखते हैं अच्छे अच्छे डॉक्टर जिनके पास 200 मरीज, 300 मरीज ओपीडी में दिखाने आते हैं, अलग अलग छोटी छोटी एलिमेंट्स भाई, वो टोकन बढ़ते हैं। हाँ, तमाम डॉक्टर तो उनका क्या होता है कि छोटी छोटी जो समस्या है उनकी, मान लीजिए खांसी जुकाम है, उसी के लिए चले आ रहे हैं। हाँ, तो वहाँ पे हम लोग इतने 200-300 मरीजों को क्वारंटाइन, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग उसमें मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे अगर एक कोरोना का मरीज भी आ जाता है तो सारे लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। इसीलिए प्राइवेट डॉक्टर्स ने अपने आप को थोड़ा सा इससे आइसोलेट किया है, अदरवाइज जो भी मरीज इमरजेंसी में आ रहे हैं, इमरजेंसी की जो भी मरीज हैं उनको 24 घंटे लगातार सुविधा प्रदान की जा रही है। ठीक, सफदर साहब का रुख करेंगे। सफदर साहब, गौरव जी कह रहे हैं कि ऑनलाइन सारी सुविधा मौजूद है, किट अवेलेबल हो रही है और किट को पहनने के लिए, किट को समझने के लिए वो उसमें कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन जाकर के इस तरह की ट्रेनिंग ले सकते हैं? प्रदीप जी, मैं आपके माध्यम से और के न्यूज़ के माध्यम से जो सबसे जो मजबूत और भारी बात मैं कहने चाहता हूँ
वो ये है कि हम लोग अभी तक देख रहे हैं कि कोरोना से कितने लोग अफेक्टिव हुए, कोरोना से कितने लोगों की जान चली गई, और आरोप प्रत्यारोप का एक दूसरे पे समय नहीं है। हमारी जो आपके ओके न्यूज के माध्यम से जो सबसे बड़ा जो अनुरोध और निवेदन है कि हमें ये देखना आएगा कि कोरोना से कितने लोग मर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमें ये देखना आएगा कि जो बेचारे मजदूर जो सड़क के किनारे फुटपाथ के किनारे पड़े हैं उनको किसी भी तरीके से भोजन की वजह से उनकी मौत ना होना चाहिए। हाँ, जिस तरह से मैं कल निकला हूँ अपने कुछ अपने दोस्तों के साथ और अपनी समिति के साथ, आपकी चिंता बिल्कुल जायज है, और कल हम लोगों ने इस पर पूरी तरीके से चर्चा की और उसके बाद सरकार सामने आई थी और तमाम एनजीओ भी सामने आए हैं जो खाना पहुंचा रहे हैं। कानपुर की बात करें, लखनऊ की बात करें, पूरे प्रदेश की बात करें, पूरे देश की बात करें, तमाम एनजीओ तक लोग आगे आ रहे हैं और अपनी मदद आगे बढ़ा रहे हैं। मदर साहब, ट्रेनिंग की हम लोग बात करें, डॉक्टर साहब ने बहुत शानदार बात उठाई कि एक तो मास्क नहीं है, पीपीई मास्क नहीं है, और ऊपर अगर जो किट है तो उनको पहनने के तरीके नहीं पता है। गौरव जी कह रहे हैं कि ऑनलाइन जाकर के हम उसको देख सकते हैं। एक जो खास तबका है जो डॉक्टर है वो तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोग ये क्या करने में सक्षम है? प्रदीप जी देखिए, हालांकि इस समय आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर नहीं है और सबको मिलकर इस महामारी से निपटना है। पहले भी कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक वायरस फैल चुके हैं और सरकारों ने उसमें काम किया भी है। देखिए, सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। जो हीरो लोकल था, जो क्या नाम है, चाइना में डॉक्टर वांगयांग थे, उनकी जब मौत हुई तब लोगों ने उससे पहले उन्होंने चेताया था अपने ग्रुप में कि देखो ये एक महामारी का रूप लेने जा रहा है। मैं गौरव जी को याद दिलाना चाहूंगा कि WHO जो है अब उस पर सरकार कैसे दबाव बनाएगी कि जो चाइना में तरह तरह का मांस बिकता है जिसके कारण जो है ऐसे क्या नाम है उदय होता है, उस पर भारतीय सरकार क्या करेगी? हमने तैयार नहीं थे। 30 दिसंबर को डॉक्टर वांगयांग की मौत होती है, 13 फरवरी से लगातार ट्विटर पर इस बात की चेतावनी दी जा रही थी, उस समय हम किसी विदेशी मेहमान की तैयारी में लगे हुए थे, और अगर आज मैं यहाँ पर इस चैनल से ये कहता हूँ कि उन्हीं में से कोई जो है हमको तोहफे में अगर दे गया है तो इसका जवाब कौन देगा? ठीक, हम जवाब तलाशेंगे। इरफान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, इस वक्त इस लॉकडाउन में एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है जी। जो हमारे अन्नदाता हैं, हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने इस पे चिंता जताई है और ये कहा है जो हमारे अन्नदाता हैं, और इस वक्त गेहूं की फसल पूरी तरह से तैयार है। पहले तो कुछ लोग मतलब आपदाविक आपदा से ओले से कुछ खराब हुई, लेकिन जब पक्के तैयार है तो जो कंपाइन मशीन है इनको परमिशन देना चाहिए कि ताकि गेहूं की कटाई किसान कर सके। बिल्कुल, ये सरकार के तरफ मैं इस सरकार को इस तरफ इनका ध्यान अच्छी तरह भी जरूर चाह रहे हैं, अगर किसान बर्बाद हो जाएगा, अगर उसकी फसल जो है गिर जाएगी, आपने अच्छी तरह ध्यान दिलाया है, ये कितने गरीब किसान जो है। बिल्कुल, आपने सही चीज पर ध्यान दिलाया है, लेकिन अभी समस्या है इस महामारी से लड़ने की। हम जो गेहूं बाद में भी कटवा सकते हैं और गेहूं कटाने के लिए कोशिश की भी जा रही, लेकिन सबसे पहले नहीं करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि वो पक करके जो है गिर गया अगर जी, ये 10 तारीख तक ही इसका डेट होता है। हाँ, ठीक कर रहे, बिल्कुल ठीक कर रहे, अभी समय हमारे पास में, और ये आपका आपने ठीक ध्यान रखा है। गौरव जी से इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में शैलेंद्र जी भी जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र जी, समस्याएं तो तमाम है, धीरे धीरे समाधान निकलेगा, चाहे किसानों की समस्या हो जैसा इरफान मलिक सवाल उठा रहे हैं, या डॉक्टरों की समस्या हो, समाधान इसी के बीच से निकालना पड़ेगा। जी हाँ, एक सुझाव यह था कि जैसे डॉक्टर्स को कमी है ड्रेस की और मास्क की, सैनिटाइजर की, तो उनको अलाउ कर देना चाहिए कि एक निर्धारित रकम तक की वो खरीदारी स्वयं कर लें, क्योंकि एक जगह से सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग करके उन तक पहुंचाना आज की डेट में एक कठिन कार्य है। यदि उनको हम अलाउ कर दे तो ऐसा नहीं है कि बाकी जनता सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रही है, मास्क इस्तेमाल नहीं कर रही है। आम जनता अगर इकट्ठा कर सकती है, खरीद सकती है, तो डॉक्टर्स भी खरीद सकते हैं, सिर्फ अपना पैसा ना खर्च हो, इस बात की चिंता ज्यादा है। नहीं, नहीं, दूसरी चीज जी, जैसा भी इन्होंने कहा कि हमें कोरोना से बचाव तो करना ही करना है, साथ में उन सारे चुनौतियों को भी ध्यान में रखना है, उनको विस्मित नहीं कर देना है जो आगे चलकर बड़ा विकराल रूप लेंगी। बिल्कुल, जैसा कि अभी इरफान साहब ने कहा कि अभी गेहूं की कटाई का समय है, फसल पक के तैयार है, तो अभी जो भी संबंधित विभाग है
वो उसकी कटाई करने का जो सबसे सरल तरीका है, इसे कंबाइन मशीन का इस्तेमाल सरकार की तरफ से करा दे ताकि अन्न तो उपलब्ध रहे, वरना जब जी करके इस समस्या से निकलेंगे हाँ। तो खाने को क्या मिलेगा? बिल्कुल ठीक करें, किसान के पास रहेगा ना आम जनता को खाने को मिलेगा जी, लेकिन तो इन विषयों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक करें, एक और बात नहीं 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 जानकारी ही बचाव है। बिल्कुल ठीक करें आप सर, लेकिन जितना ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, जितना ज्यादा हम अपने आप को स्वच्छ रखेंगे, हम जितना ज्यादा दूसरे को स्वच्छ रखने में मदद करेंगे, दूसरे की कोई कमी है उसमें हम मदद करेंगे, यही इस मात्र जरूरत है। ठीक है, भूपेन जी का रुख करेंगे। भूपेन जी, शैलेन जी कह रहे हैं कि हम अगर 2-3 महीने बाद जब बाहर आएंगे इस समस्या से तो खाने की दिक्कत ना हो जाए, इसलिए हमें किसानों का भी ख्याल रखना पड़ेगा, फसल जो पककर तैयार खड़ी है उसको काटने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। लेकिन क्या लगता है कि सबसे पहले जान है तो जहान है, इसलिए इसी पर सबसे पहले काम करने की जरूरत है? नहीं नहीं, देखिए इसके साथ साथ जान है जहान है, साथ साथ खाने की भी व्यवस्था, पेट पूजा भी होती रहनी चाहिए, तभी तो जान बचेगी, तभी जान बचेगी, अदरवाइज भूखों मर जाएंगे। प्रदीप जी जी, देखिए भारत कोरोना से बड़ा आफत आ जाएगा। भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बफर स्टॉक पर्याप्त है, 135 करोड़ की आबादी भारत की है, और जबकि 33 करोड़ की 34 करोड़ की आबादी वाला अमेरिका एक इस समय देता है 151 लाख करोड़ का पैकेज, तो अगर हम इस तरह से देखें तो भारत का पैकेज महज अमेरिका के पैकेज का 1.1% बैठता है। कतर का पैकेज अगर देखिए, कतर एक बहुत छोटा सा देश है, 28 लाख की आबादी है, लेकिन उनका पैकेज इस समय 2300 करोड़ का डॉलर का पैकेज है। तो इस समय यह भी ध्यान देने वाली बात है कि 3 महीने बाद जब हम कोरोना से उभरेंगे तो कितने लोगों की नौकरी बची हुई है, कितने लोगों को इन 3 महीने के दौरान का वेतन मिला जिससे वो अपना जीवन सुचारू रूप से चला सके, कितने लोग अपने घर की ईएमआई दे पाए हैं, कितने लोग अपना जो पिछला बैलेंस था जो उनको कर्ज में डूबे हैं, पिछले 3 महीने में जो उन्होंने कर्ज ले लेकर के किसी तरह जीवन यापन किया उसको चुका पा रहे हैं, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए सरकार को कदम उठाने की जरूरत है। बिल्कुल, आज की जरूरत तो यही है, क्योंकि दूरगामी परिणाम इसके ये भी निकलेंगे, कितने लोगों की नौकरियां जा रही हैं, कितने लोगों को नौकरी फिर से वापस उनके नियोक्ता रख रहे हैं, तो ये भी एक मुद्दा है प्रदीप जी, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। भूपेन जी, आपने बहुत सही जगह पर उंगली रखी है और बहुत सही ध्यान दिलाया है कि हमारे देश में जो अनाउंसमेंट किया गया है वो विश्व के छोटे से छोटे देशों से भी काफी कम है, इस बात से कोई इनकार नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये पहला चरण ही है, अभी ये 1,70,000 करोड़ का जो रिलीफ दिया गया है हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे भी ये जारी रहेगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि हमें सब चीजों को बचाना पड़ेगा ना। गौरव जी का रुख करेंगे भाई। गौरव जी, हमें एक साथ कई, क्योंकि आपातकाल की स्थिति है तो एक साथ कई जगह पर लड़ना पड़ेगा, क्या आपको लगता है कि सेना को भी उतारने की जरूरत पड़ेगी कि अभी नहीं आई है? आवाज मिल रही है गौरव जी आपको? अगर आवाज मिल रही हो तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, आपातकाल की स्थिति है, हमारे तमाम जो मेहमान है वो इशारा कर रहे हैं कि अगर अभी दूसरे फ्रंट पर भी लड़ाई नहीं की गई, यानी किसानों की और दूसरे लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया, तो अगले 2-3 माह बाद एक और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। मुझे लगता है प्रदीप जी अभी सेना को उतारना उचित नहीं होगा, क्योंकि आज आप देखिए पूरा देश कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस समस्या को ले रहा है, हर समाज हर वर्ग के लोग एक साथ लड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और भारत ने जो एकजुटता दिखाई है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत की, जी 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 जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए।
चलिए लग रहा कुछ तकनीकी व्यवधान है, समय की भी कमी हमारे साथ में है, हम डॉक्टर साहब का रुख करेंगे। डॉक्टर रुण अर्जे, ये बात ठीक है कि समस्या का समाधान इसके साथ लड़ने के साथ साथ में दूसरी समस्याओं पर भी ध्यान देना पड़ेगा, जल्दी से 20 सेकंड में अपना फाइनल कर बैठे। हाँ, साथ में और भी आर्थिक सामाजिक समस्याओं को साथ में देखना पड़ेगा जी, क्योंकि जैसे हमारे हॉस्पिटल में जैसे मरीज आ रहे हैं तो उनको इसे खाने पीने की दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए हम लोग डॉक्टर्स अपने लेवल पे भी उनकी सहायता कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं लगातार जी। चलिए सफदर साहब, जल्दी से 20 सेकंड में फाइनल कर। सबसे पहले तो सर मैं ये कहूंगा कि आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल खत्म होना चाहिए जी, और एक दूसरे का हाथ बटा के इस कोरोना से हमें जंग जीतनी है, जंग जीतनी है जी। चलिए मजहर साहब, देखिए प्रदीप जी, 30 बिलियन यूएस डॉलर का बजट है फार्मास्यूटिकल कंपनीज का सिर्फ एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग पे, इसको रोकना चाहिए होगा हमको, और इसके लिए सरकार को एकदम से सख्ती से कदम उठाने पड़ेंगे कि वो इस बजट को कट करे और इस पूरे बजट को हेल्थ केयर सेक्टर की तरफ डाइवर्ट करे। ठीक है भूपेन जी, फाइनल कमेंट आपका। किसानों के लिए जी प्रदीप जी, सरकार ने उनके लिए रिलैक्सेशन देने शुरू कर दिए, आई तो दूसरी समस्या उसके बाद खड़ी जी भूपेन जी, तो हर स्तर पर सरकार। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि सरकार का दावा यह है कि 80 करोड़ गरीब परिवार इससे लाभान्वित होंगे, 5 करोड़ मनरेगा के जो लाभार्थी हैं वो लाभान्वित होंगे, 63 लाख महिलाएं और स्वयं सहायता समूह लाभान्वित होंगे, 8.69 करोड़ किसान, 3 करोड़ बुजुर्ग और दिव्यांग, 4.8 करोड़ पीएफ खाता धारक। समय कम है भूपेन जी, डाटा आंकड़े गिनाने का वक्त नहीं है, ये इन लोगों को इससे लाभ मिलेगा इस राहत पैकेज से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी भी ये सरकार से निवेदन है कि सरकार एक अपने राहत पैकेज का सेकेंड फेज जारी करे और उसमें लोगों की जो भविष्य की भविष्य में जो उनके रोजगार की चिंता है हाँ, उसको दूर करते हुए इस पैकेज को थोड़ा सा और बढ़ाएं। ठीक है इरफान साहब, फाइनल कमेंट आपका 20 सेकंड में। देखिए सरकार जो है जो कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन सारी दवाओं की कंपनियों को आगे आकर के डॉक्टर्स को और सारे लोगों को जो मेडिकल किट है इनको उपलब्ध कराना चाहिए। शैलेन जी, फाइनल कमेंट। हम यहाँ पर धन्यवाद देना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने इतना बड़ा एक बिना पहले की तैयारी का एक ऐसा अद्भुत और साहसिक निर्णय लिया कि सभी को उन्होंने जनता कर्फ्यू के माध्यम से, फिर लॉकडाउन के माध्यम से उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग और जिस तरह से लॉकडाउन आइसोलेशन, ठीक है इन सब चीजों से वाकिफ कराया, और ये देखते हुए विविधतापूर्ण समाज है ये, और यहाँ पर पढ़े लिखे भी बहुत हैं और जाहिल भी बहुत हैं, बहुत शुक्रिया। उन सबको एक साथ समेटते उन्होंने सबको सुरक्षित किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कोशिश करनी है एक दूसरे का सहयोग करें जी, और सरकार का भी समय कम है चलन जी। मैं 5 सेकंड में सिर्फ ये कहूंगा कि इनको फायदा होगा, इनको फायदा होगा, इनको फायदा होगा, इसमें हम टाइम जो है अपना ना जो है वेस्ट करें, बेहतर ये होगा कि हमको 24 घंटे में बताया जाए कि इतने लोगों को लाभ मिल गया, इतने लोगों को लाभ मिल गया, इतने लोगों को लाभ मिल गया, ये प्रोसेस चल रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, शुक्रिया गौरव मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया, इरफान साहब आपका शुक्रिया, शैलेन जी आपका शुक्रिया, भूपेन तिवारी जी आपका भी शुक्रिया लखनऊ से हमारे साथ में जुड़ने के लिए। हमारे साथ में 3 खास मेहमान यहाँ जुड़े हुए थे, और आपका आप लोगों का भी शुक्रिया, मजहर नकवी साहब, डॉक्टर अरुण आर्या और सफदर साहब जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप तीनों का भी बहुत शुक्रिया। तो एक अच्छी और सार्थक बात यही है कि हमें कोरोना की महामारी से लड़ना है, और लड़ने के साथ साथ में हमें भविष्य का भी ख्याल रखना पड़ेगा। सारे हमारे मेहमानों की यही चिंता है कि हम इससे लड़ेंगे ही, लेकिन कहीं कहीं दूसरी बड़ी समस्या की ओर ना चले जाएं, इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो इससे लड़ने के साथ हमें दूसरी समस्याओं का समाधान भी तलाशते रहना होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।